जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं प्रशांत बोध और आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट जो है भंती विनाचार्य जी हमारे साथ में हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम ज्यादातर जो बात करते हैं पाखंड और अंधविश्वास के ऊपर में बात करते हैं, तो उसी विषय पर हम विनाचार्य जी से कुछ पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है भंती जी हमारे चैनल में, हमारे दर्शकों के सामने। और मेरा आपसे एक सीधा सवाल ये है कि जैसे हम सुनते हैं बाबा लोग हैं और जो हमारा बहुत सारा बहुजन समाज है वो बाबा लोगों के प्रवचन सुनने जाता है, तो वो लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं। अमीर बनने के लिए आपको लाल कपड़े में कुछ बांध करके चढ़ा दो, कर्जा उतारने के लिए नारियल में धागा बांध करके पानी में बहा दो तो कर्जा उतर जाएगा, अगर आपको बीमारियों से दूर होना है तो फला फला का ये कर दो, अगर तुम्हें किसी का घर परिवार बर्बाद करना, मतलब जो इस तरह की चीजें हैं जिसमें हमारा समाज उलझा रहता है, तो आप इन चीजों को किस तरह से देखते हो आप इनको? प्रशांत जी, बात जब पाखंड की आती है तो पाखंड एक ऐसा वायरस है जिसका ज्यादा इस्तेमाल पशु जैसी सोच पे किया जाता है जी, या एक शब्द में कह सकते हैं कि बेवकूफों को महा बेवकूफ बनाया जा सकता है पाखंड के नाम पर जी। आज भारत में इंसान कम रहते हैं और गधों की फौज ज्यादा रहती है, बिल्कुल, इसलिए उनको बेवकूफ बनाने में हर आदमी माहिर है। अगर शायद इंसान अपने बुद्धि का विकास कर लेता, अगर ये विज्ञान को जान लेता, अगर ये विचारों को समझ लेता कि इंसान के विचार कितने प्रबल है, कितने ताकतवर है, तो शायद आज भारत का कोई भी पाखंडवादी, चाहे महाराज हो, चाहे आचार्य हो, चाहे किसी भी धर्म का सन्यासी होता, शायद आज मनुष्य को बेवकूफ ना बना पाता। नहीं तो सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि बेवकूफ लोग क्यों रह गए, अशिक्षित लोग क्यों रह गए, क्यों वो ज्ञान के भंडार में नहीं अपना दिमाग में ला पाए, क्यों अपना दिमाग विकसित नहीं कर पाए, उसका कारण क्या है? अभी जनरेशन सिलेक्शन जैसे करती है, हमने भारत में अपने महापुरुषों का जो सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन ही गलत हो गया है। भारत में दो ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक सत्य का ज्ञान दिया, एक सच्चाई का मार्ग दिया, पर भारत उन महापुरुषों को तो जान नहीं पाई जिनके नाम बुद्ध और महावीर है। यानी कहते हैं कि भारत के दो वीर बुद्ध और महावीर, पर भारत के कुछ ऐसे तथाकथित लोगों को हमने देवता बना लिया जिनके पीछे ज्ञान और विज्ञान कहीं तक नहीं है। आज आप देखते हैं कि भारत में ऐसे इष्ट है, ऐसे देवता है जिनको जानवरों की संज्ञा दी जाती है, जिनको पशुओं की संज्ञा दी जाती है। तो आप सोचिए, जो इंसान पशुओं को देवता मानेगा, पशुओं को महापुरुष मानेगा, तो उनकी मानसिकता कैसी होगी? उनकी मानसिकता भी पशु के ही समान होगी। इसलिए आज वो जनरेशन विज्ञान और ज्ञान से वंचित हो गई, क्योंकि उसने ऐसे आइडियल को आइडियल मान लिया है कि जो इंसान कम जानवर ज्यादा दिखते हैं, मतलब उन, क्योंकि जानवरों की विचारधारा तो कुछ होती नहीं, बिल्कुल, है, बिल्कुल। और इंसानों को जैसे बाबा साहेब हैं या फिर तथागत बुद्ध हैं, उन लोगों को भी क्या है कि बहुजन समाज के लोगों ने मूर्ति बना करके पूजना शुरू कर दिया, विचारधारा खत्म कर दिया। तो अभी जैसे ये पाखंड आप जी ने बता रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें पाखंड होती हैं, लेकिन यदि कल को कोई जो बौद्ध भिक्षु हैं यदि वो इन चीजों को बोलने लग जाए, भाई मान लिया हमने बहुजन समाज को बोला कि भाई ये पाखंड है, आप इससे अलग हटो, वो हट भी गए, वो आ गए कि हाँ भाई चलो हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, जो बुद्ध के उपासक हैं, जो उनके विचारधारा को फैलाते हैं, उनसे हम कुछ ज्ञान लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो यदि कल को कोई बौद्ध भिक्षु जो है इन्हीं बातों को करने लगे कि भाई तुम ऐसा करो तो तुम अमीर हो जाओगे और संपन्न हो जाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे, तो उस टाइम पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बुद्ध ने एक चीज कही है कि असभ्य व्यक्ति कहीं भी पैदा हो सकता है, पाखंड अंधविश्वास कहीं भी पैदा हो सकता है, और अच्छी बात करने वाला व्यक्ति भी कहीं भी पैदा हो सकता है जी। आज अगर कुछ धर्मों को टारगेट किया जाता है, कुछ सन्यासियों को, कुछ साधु महाराजों को अगर टारगेट किया जाता है पाखंड के नाम से, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भिक्षु भी हो सकता है, कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षु भी पाखंड का प्रचार प्रसार करता होगा। और मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप अधिकांश चीजों में देखेंगे कि आज लोग बुद्ध की मूर्ति रखकर उसके सामने फल भी रखते हैं, मोमबत्ती भी रखते हैं, अगरबत्ती भी रखते हैं, और पूरे धागे से लपेट कर लोगों के हाथों में धागा पकड़ा देते हैं, जैसे कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वायर पकड़ाई हो कि स्विच ऑन मैं करूंगा लाइट तुम में जल जाएगी। तो इस तरह का पाखंड कुछ तथाकथित भिक्षु भी करने लगे हैं, मतलब जो अभी भी चल ही रहा है, अभी चल रहा है अभी तक, जो बुद्ध के सिद्धांतों के विचारों के पूरे खिलाफ है। यानी बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य स्वयं शाश्वत को जाने,
अध्यात्म को जाने, यथार्थ को जाने, विज्ञान को समझे, पर आज के भिक्षु विज्ञान को कम और पाखंड को ज्यादा समझने लगे हैं, आज के भिक्षु प्रकृति के सिद्धांत को कम परंपराओं को ज्यादा समझने लगे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि निश्चित तौर पे पाखंड कहीं है या नहीं है, आज अधिकांश पाखंड बौद्ध भिक्षु करता जा रहा है। बिल्कुल, तो इसमें क्या होता है कि जब उनसे ये बात बोली जाती है कि भाई यार आप तथागत बुद्ध के आगे ये चीजें मत करो और ये फल वल चढ़ाना ये करना, भाई ना तो बुद्ध खाने वाले हैं उनको, और अगर किसी को खिलाना है तो हाँ भाई आप औरों को खिला दो, लेकिन वहां पे क्या सजा करके रखा जाता है, जिस तरीके से भगवानों की पूजा होती है उस तरीके से उनकी पूजा का सारा प्रचम जो है वो किया जाता है। अब अगर हम उनको कुछ बोलें कि भाई आप ये मत करो, ये बुद्ध के खिलाफ है, ये बुद्ध की विचारधारा के खिलाफ है, या ये पाखंड है, तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं, वो हमको ही बोलने लग जाते हैं कि हमें तुम्हारे बुद्ध होने पर शंका है। तो मतलब वो एक तरफ तो करते हैं कि अभी पाखंड नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ वो खुद करने में लगे हुए हैं। तो अभी जैसे जो हमारा समाज है जो पाखंड में घुसा हुआ है, वो बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता, मतलब उसको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं कि भाई आपका जो जीवन है वो आप जब जियोगे करोगे तभी आपको फल प्राप्ति होगी, अदरवाइज आप कुछ भी ढोंग पाखंड कर लो या बुद्ध की पूजा कर लो, अम्बेडकर की पूजा कर लो, उन सब चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला। तो लोगों के लिए आपका क्या संदेश है कि उनको पाखंड में घुसे रहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, वो कैसे अपनी तरक्की कर सकते हैं? देखिए मैं एक चीज कहूंगा आप सभी दर्शकों से, अगर आपके सामने एक जगह घोड़ा एक जगह गधा खड़ा कर दे और ये कहे कि आप गधा लेना चाहोगे घोड़ा, तो निश्चित तौर पर आप कहोगे मुझे घोड़ा दे दीजिए, क्योंकि गधे की इतनी कीमत नहीं है जितनी घोड़े की कीमत है। यानी आपने एक अच्छा सिलेक्शन कर लिया। अगर मैं ये कहूं कि एक तरफ सोना है और दूसरी तरफ चांदी है तो आप क्या लेना चाहोगे? तो आप कहोगे मैं सोना लेना चाहूंगा, मैं चांदी लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि चांदी की उतनी कीमत नहीं है, सोने की कीमत ज्यादा है, सोने की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए सोना लेना चाहोगे। उसी प्रकार आप एक और विचार पैदा कर लीजिए कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए आपको अच्छा ज्ञान चाहिए या पाखंड का ज्ञान चाहिए। आपको ऐसा ज्ञान लेना चाहिए जो आपके भविष्य को भी बदले, आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी बदले, हमारे देश को भी बदले, और हमारे आने वाली जनरेशन की विचारधारा को जनरेट कर सके। हमें ऐसा विचार ग्रहण करना चाहिए, ना कि ऐसा विचार ग्रहण करना चाहिए जहां हमारे विचार जनरेट होने के बजाय कम है, बल्कि वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होती हो, वो खत्म होती हो, डिस्ट्रॉय होती हो, वो डिस्ट्रॉय होती हो। तो हमें ऐसी विचार नहीं लेनी है जो डिस्ट्रॉय होती हो या उसका पतन होता हो, हमें ऐसी विचार लेनी है जो मनुष्य का कल्याण और भला कर सके। अच्छा, गौतम बुद्ध की जैसे हम बात कर रहे थे और पाखंड की हमने बात करी, तो एक बस लास्ट में बात आपसे पूछना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध को पूजने से, उनके नाम पे कर्मकांड करने से लोगों का उद्धार हो सकता है या उनको पढ़ करके हो सकता है? देखिए बुद्ध को पूजने से कभी किसी का भला नहीं होने का। आप चाहे सुबह से लेकर शाम तक बुद्ध की कितनी भी आरती भजन कीर्तन वंदना करते रहो, आपके जीवन में एक इंच भी परिवर्तन नहीं आ सकता। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, बुद्ध ने एक चीज सिखाई है कि आप सबसे ज्यादा जरूरी है सीलों का पालन करें, उसका आचरण करें, उसको जीवन में उतारें, क्योंकि सील ही तुम्हारा सारथी है, सील ही तुम्हारा मित्र है, सील ही तुम्हें दुख से सुख की ओर लेके जाएगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि दीक्षा भी उतनी जरूरी नहीं है जितनी शिक्षा जरूरी है। शिक्षा पे अमल करना जरूरी है, विचारों पे अमल करना जरूरी है, विचारों को पे चलना जरूरी है, ना कि पूजा पाठ या साहित्यों का बार बार पठन करना जरूरी नहीं है, जितना शिक्षाओं का आचरण करना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात जो है बंती जी ने बोली है कि किसी ग्रंथ को या किसी जो तथागत बुद्ध की जो बातें हैं या किसी भी महापुरुष की बातें हैं उनको बार बार पढ़ने से, बार बार रटने से, उनका जाप करने से भला नहीं होने वाला, एक बार पढ़ के अपने जीवन में उतारने से भला होगा। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं आपको, मैं कह दूं प्रशांत जी, बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। अगर हम आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले की बात करें, उस समय मनुष्य का जो मस्तिष्क था उतना जनरेट नहीं हुआ था, इसलिए उस समय के लोगों को चीजें रटाई जाती थी कि 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, 5 बार बोलो। तो बुद्ध के भिक्षु संघ भी उस समय बुद्ध के बोले गए उपदेशों को कंठस्थ करते थे, यानी रटते थे, समझते नहीं थे। पर आज जनरेशन रटती कम है, समझते ज्यादा है, क्योंकि आज चीजें हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें आज एक्सप्लेन चाहिए। आज हमें कोई भी चीजें आप रटाने से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते, आज चीजों को समझाना पड़ेगा। जनरेशन बदल गई है, इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आज विचारों को या महापुरुषों की बातों को आज रटाना कम कर दो, उसे एक्सप्लेन करो, उसे समझाना शुरू कर दो, उसका सेटिस्फेक्शन दो। और जब तक हर आदमी सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक आप कोई भी एग्जाम्पल लगाओ, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कोई भी लॉजिक लगाओ, उसे वो बात समझाओ, ना कि उसे रटाओ। बिल्कुल बिल्कुल,
चलिए काफी अच्छी बात जो है बंते जी ने आपको बताई, और आपको कौन कौन सी बातें समझ में आई और कितना कैसा आपको ये वीडियो लगा आप कमेंट में करके बता सकते हैं। तो ठीक है साथियों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बंते जी की बातों को आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।